हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 एक्शन एडवेंचर मूवीज़ को, जिन्हें आप यूट्यूब पर फ्री में वॉच करने वाले हैं, क्योंकि इन सारी की सारी मूवीज़ के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वॉच करने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आप एक अच्छी मूवी मिस कर दोगे। बाकी इसके अलावा अगर आप हॉलीवुड की लेटेस्ट मूवीज़ या फिर साउथ इंडियन मूवीज़, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ वॉच करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। और अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ को यूट्यूब पे देखना चाहते हैं डेली, तो आप लोगों ने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर सकें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 पे एक एक्शन एडवेंचर फैंटसी मूवी जिसका नाम है दी मंकी किंग। ये मूवी आई थी 2014 में और IMDb ने 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो गाइस, ये दी मंकी किंग एक मूवी सीरीज़ है जिसके अंदर टोटल 3 मूवीज़ आ चुकी हैं और ये सीरीज़ की पहली मूवी होने वाली है, जिसके अंदर हमें नेक्स्ट लेवल का फैंटसी एक्शन एडवेंचर मैजिक देखने को मिलता है। और इसके अलावा मेन कहानी फोकस करती है मंकी किंग के ऊपर, जो निकल जाता है अपनी ताकत की आजमाइश करने के लिए, मतलब कि अपने आप को एक ताकतवर किंग साबित करने के लिए निकल जाता है। तो वैसे में दी मंकी किंग की एडवेंचरस में कैसी कैसी चीज़ें आएंगी, ये आपको पता चलेगा इस मूवी के अंदर। और यार, इस सीरीज़ के अगर आप बाकी पार्ट्स वॉच करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको इसके बाकी पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। 9 पे एक एक्शन एडवेंचर मूवी जिसका नाम है दी फ्लैशी मूवी आई थी 2023 में और IMDb ने 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो ये भी एक नेक्स्ट लेवल की एक्शन एडवेंचर टाइम ट्रेवल मूवी होने वाली है, जिसके अंदर कहानी फोकस करती है बैरी एलन के ऊपर। असल में गाइस, फ्लैश के पास कुछ ऐसी सुपर पावर्स होती हैं जिसकी मदद से वो लाइट की स्पीड से भाग सकता है। तो इसके बाद ये निकल जाता है पास्ट में अपनी मदर को बचाने के लिए। तो एंड तक इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि बैरी एलन अपनी माँ को बचा पाता है कि नहीं, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। 8 पे दी हाउस एल्फ, ये मूवी आई थी 2019 में और IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो बेसिकली यार, ये एक कॉमेडी एक्शन एडवेंचर फैंटसी मूवी होने वाली है, जिसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक सिंगल मदर की, जिसके अपार्टमेंट में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं और इसके अलावा उसका सामना कुछ ऐसे क्रिएचर से हो जाता है, जिसे वॉच करने के बाद आप भी काफ़ी एडवेंचरस होने वाले हो। तो ये मूवी बेहतरीन होने वाली है, जिसका लिंक आपको नंबर 8 पर देखने को मिलेगा। 7 पे CJ7, ये मूवी आई थी 2008 में और IMDb ने 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। और ये मूवी साइंस फिक्शन कॉमेडी फैंटसी पर बेस्ड होने वाली है। तो बेसिकली यार, इस कहानी की स्टार्टिंग होती है एक टाई नाम के बंदे से, जो एक मजदूर होता है। वो दिन रात काम करके अपने बेटे को हर तरह की खुशी देना चाहता है, मतलब कि उसे अच्छी एजुकेशन, अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बेटे डिकी को, जिसे एक एलियन मिलता है और उस एलियन के पास कुछ मैजिकल पावर्स होती है। तो गाइस, इस एलियन का नाम CJ7 होने वाला है और इसके आने के बाद इन दोनों की लाइफ कैसे चेंज होगी, ये आपको इस मूवी के देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी के अंदर इमोशन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, मतलब कि सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा। 6 पे ब्लू बीटल, ये मूवी आई थी 2023 में और IMDb ने 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो यार, ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी होने वाली है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैंने इस मूवी को इस लिस्ट के अंदर इसलिए ऐड किया ताकि आप इस मूवी को वॉच कर सकें। लेकिन गाइज, इस मूवी को मैंने यूट्यूब पर बहुत ढूंढा, लेकिन ये मूवी मुझे यूट्यूब पर नहीं मिली। तो आप लोगों ने जल्दी से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको ये मूवी देखने को मिलने वाली है। तो यार, मैं बार बार टेलीग्राम का इसलिए कहता हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसी ऐसी मूवीज़ देखने को मिलती हैं जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो यहाँ पर अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इस कहानी के अंदर में दिखाया जाता है एक ऐसा बंदा जिसके पास कुछ ऐसी चीज़ लगती है जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ एलियन पावर्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसे में सुपर पावर्स बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं, तो इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए कुछ विलन्स भी इसके पीछे पड़ जाते हैं। तो अब आगे चल के इस कहानी में, इस मूवी के अंदर क्या कुछ होगा, ये आप जानेंगे इस फिल्म के अंदर। नंबर 5 पे फ्लाइट World War II, ये मूवी आई थी 2015 में और IMDb ने 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो बेसिकली यार, इस कहानी की स्टार्टिंग होती है एक ऐसी फ्लाइट से जो कि उड़ान भर जाती है आसमान में। तो उसके अंदर 42 पैसेंजर्स मौजूद होते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लाइट एक स्टॉर्म में फंस जाती है और वहाँ से गुजर जाने के बाद वो फ्लाइट World War II के टाइम में पहुँच जाती है, मतलब कि वो फ्लाइट स्टॉर्म के अंदर जाने के बाद वो टाइम में पीछे चली जाती है और वो टाइम होता है 1940 का। तो अब ऐसे में वो फ्लाइट अपने टाइम लाइन में कैसे वापस आएगी, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। 4 पे अमेरिकन अल्ट्रा, ये मूवी आई थी 2015 में और IMDb ने 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी एडवेंचर पर बेस्ड होने वाली है,
जिसके अंदर कहानी फोकस करती है माइक और उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर। असल में ये दोनों ड्रग एडिक्ट होते हैं, मतलब कि इनका काम होता है हर वक्त नशा करना और अपनी लाइफ को चिल करना, एंजॉय करना। एक दिन ये दोनों नॉर्मली नशा करते हैं, लेकिन उसके बाद जब इनकी आँख खुलती है तो इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स आ चुकी होती हैं। सडनली गाइज इनकी पावर्स के बारे में CIA को पता चल जाता है, जिसकी वजह से इनकी जान खतरे में पड़ जाती है। अब ऐसे में ये दोनों अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। 3 पे एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी जिसका नाम है आउटलैंडर। ये मूवी आई थी 2008 में और IMDb ने 6.2/10 की रेटिंग दी है। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि स्पेस में से अचानक से एक स्पेसशिप गिरती है और उसमें से एक इंसान और प्रेडेटर बाहर आते हैं। उस बंदे को वाइकिंग्स पकड़ लेते हैं वहाँ पर, लेकिन वो प्रेडेटर वहाँ से निकल जाता है। तो जिस बंदे को वाइकिंग्स ने पकड़ा होता है उसे कुछ भी याद नहीं होता, मतलब कि उसकी यादें मिटा दी गई होती हैं। अब उस बंदे का असली मकसद क्या है और वो स्पेस में से ज़मीन पर कैसे आया और वो स्पेस में क्या कर रहा था, ये आपको पता चलेगा इस मूवी के अंदर। 2 पे दी हॉबिट सीरीज, जिसके अंदर टोटल 3 मूवीज बन चुकी है और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2012 में। तो इस सीरीज के अंदर हमें दिखाया जाता है दी लॉर्ड ऑफ द रिंग से भी पहले की स्टोरी, मतलब कि दी लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज से 60 साल पहले की इसके अंदर कहानी दिखाई जाती है। तो अगर आप लोगों ने दी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी सीरीज वॉच नहीं की है तो भाई आप लोगों ने कुछ भी नहीं वॉच किया। तो पहले आप लोगों ने वो सीरीज़ को वॉच कर लेना है, उसके बाद इस सीरीज़ को देखना होगा। और इन दोनों सीरीज़ की कहानी आपस में कनेक्टेड होने वाली हैं। तो यारो अगर आप मैजिक एडवेंचर फैंटसी ड्रामा सब कुछ देखना चाहते हैं तो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपको इस सीरीज़ के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो फटाफट आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको ये दोनों सीरीज़ वॉच करने को मिलेंगे। सो फाइनली गाइस 1 पे 2023 की वन पीस, इसका टोटल 1 सीज़न आ चुका है और इसके अंदर टोटल 8 एपिसोड्स होने वाले हैं। फिलहाल आपको YouTube पर इसका एपिसोड 1 देखने को मिलेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 पर देखने को मिलेगा। तो ये सीरीज़ आपको Netflix पर भी देखने को मिल जाएगी और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम से भी इसे देख सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस होने वाली है कि आप इसे कहाँ से वॉच करते हैं। वैसे तो वन पीस एक एनिमेशन सीरीज़ है, लेकिन अब ये लाइव एक्शन में आ चुकी है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो इस कहानी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि ऐसा बंदा जो अपने क्रू के साथ निकल जाता है एक ऐसे एडवेंचर पर जहाँ पर उसे वन पीस नाम के ट्रेजर को ढूंढना होगा, लेकिन उसे ढूंढना इतना इजी भी नहीं होने वाला। ये कितना खतरनाक एडवेंचर सफर होने वाला है, ये देखने के लिए आपको इस मूवी को वॉच करना होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।